जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम NCERT के अध्याय 3 विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध, विशिष्ट चालकता का मात्रक, MK-ASSAY पद्धति में मात्रक, फिर इसकी बीमा इत्यादि का अध्ययन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज हम आपको विशिष्ट चालकता के बारे में पहले बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता होता है। ठीक उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। अब हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये विशिष्ट चालकता की डिफिनेशन हुई। अब हम लोग SI पद्धति में विशिष्ट चालकता का मात्रक देखें। तो देखें, ये विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपने देखा था ओम मीटर। ये SI पद्धति में मात्रक था। अगर इसको हम ऊपर लेकर चले जाएं तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता का SI पद्धति में मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अगर हम सिंबल के रूप में लिख लें तो ये ओमेगा इनवर्स यम इनवर्स हो जाएगा। अब अगर हम MK-ASSAY पद्धति में लिखना चाहें तो देखें, एक बटा में विशिष्ट प्रतिरोध का MK-ASSAY पद्धति में मात्रक पिछले वीडियो में आपको बताया गया था और ये मात्रक था किलोग्राम मीटर क्यूब और सेकंड का क्यूब, सेकंड का क्यूब और फिर एम्पियर का स्क्वायर था। ये 1/, ध्यानपूर्वक देखें तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड क्यूब और एम्पियर टू द पावर -2। देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग MK-ASSAY पद्धति में मात्रक लिख रहे हैं, तो किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड का पावर -3 था और एम्पियर का भी पावर -2 था। पिछले वाले वीडियो में हम MK-ASSAY पद्धति में इसका मात्रक निकाले थे। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने के बाद ये मिलेगा आपको किलोग्राम इनवर्स मीटर का पावर -3, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड क्यूब हो जाएगा और एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार विशिष्ट चालकता का आप MK-ASSAY पद्धति में मात्रक देख रहे हैं, किलोग्राम इनवर्स मीटर का पावर -3 और फिर ये सेकंड का क्यूब हो जाएगा और एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से बीमा भी निकाल सकते हैं। तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान की बीमा यम, तो एम इनवर्स हो जाएगा। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई की बीमा L-3 हो जाएगा। सेकंड समय का मात्रक, समय की बीमा T3 हो जाएगा और फिर ये A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा विशिष्ट चालकता की बीमा।
एम इनवर्स एल माइनस थ्री टी क्यूब ए स्क्वायर। तो ये आपने विशिष्ट चालकता की डिफिनिशन विशिष्ट चालकता का SI पद्धति में मात्रक, MKSA पद्धति में मात्रक और फिर इसकी बीमा आपने देखा। अब हम आपको विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध आपको बताएंगे और यह भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। तो देखते हैं कि ये संबंध क्या है, अध्ययन करें इसका। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के इक्वल होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपको बताया गया था कि अगर किसी चालक तार के किसी बिंदु पर आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और धारा घनत्व J हो तो रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे था। अब हम रो की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो फिर देखें ये मिल जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो के जगह पे हो जाएगा ई बाई जे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जे ऊपर चला जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू देखें ये जे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा जे अपॉन ई। और अगर यहाँ से जे की वैल्यू हम निकालें तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। तो जे जो है धारा घनत्व है और सिग्मा विशिष्ट चालकता है, ई वैद्युत क्षेत्र है। तो ये धारा घनत्व जे और विशिष्ट चालकता सिग्मा के मध्य आपने संबंध देखा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी किसी सूत्र को सदिश रूप में लिखने के लिए कह देता है, तो जब सदिश रूप में लिखने के लिए कहेगा तो जो सदिश राशि होगी उसके ऊपर वेक्टर दिखा देंगे तो वह सदिश रूप हो जाएगा। तो देखें ये धारा घनत्व जो है यह सदिश राशि है, तो धारा घनत्व के ऊपर हम तीर लगा देंगे। सिग्मा अदिश राशि है, सिग्मा यानी विशिष्ट चालकता अदिश राशि है, तो इसके ऊपर हमें तीर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। आपसे कई बार एग्जाम में कहा है कि विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए एवं इसको सदिश रूप में लिखिए। तो बहुत बच्चे जिनके पास ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी राशि सदिश है कौन सी राशि अदिश है, तो इकट्ठे सबके ऊपर तीर लगा देते हैं, और या नहीं तो जिस पर तीर लगाना चाहिए उस पर नहीं लगाते हैं, जिस पर नहीं लगाना चाहिए उसी पर लगा देते हैं, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक और छोटी सी डिफिनीसन हम आपको बताएंगे, और वह डिफिनीसन है ओमीय परिपथ का, ओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ क्या होता है इसके बारे में भी हम देखें। ओमिक सर्किट इसको हम कहते हैं। तो ये ओमिक सर्किट क्या होता है देखें, ओमिक सर्किट, ओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ ओम से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ओम का नियम लागू होना चाहिए। तो ऐसा परिपथ जिसके लिए ओम का नियम लागू होता है, तो ओम का नियम आपको मालूम है कि किसी चालक तार के सिरों के मध्य का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात स्थिर होना चाहिए, तो ओम का नियम लागू होगा। ओम का नियम यही है।
तो ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन देखिए, ऐसा परिपथ जिसके सिरों के मध्य अस्थापित विभवांतर और एवं प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, उसे ही हम ओमीय परिपथ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ का उदाहरण कई बार आपसे पूछा गया है कि ओमीय परिपथ के दो उदाहरण दीजिए, तो देखिए ओमीय परिपथ का एक उदाहरण होता है मैग्नीन का तार, ये मिश्र धातु है, और दूसरा उदाहरण होता है कॉन्स्टेंटन का तार। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, कई बार आपसे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में, एंट्रेंस एग्जाम में इत्यादि में पूछा जाता है, कुछ बुक्स में दिया भी है, कुछ बुक्स में नहीं भी दिया है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि ओमीय परिपथ के उदाहरण मैग्नीन का तार या कॉन्स्टेंटन का तार होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनओमीय परिपथ के बारे में, और अनओमीय परिपथ के साथ साथ हम लोगों को टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ देखना होगा, फिर डायोड बल्ब के लिए आगे चल करके हम लोग डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब जब सेकंड पेपर का समाप्त होगा तो उसमें हम लोगों को डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पर हम डायोड बल्ब के लिए वोल्टेज और धारा के मध्य जो ग्राफ है, इस ग्राफ का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, और फिर गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज जितनी चीज़ें आपको बताई गई, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि फिजिक्स में प्रतिदिन जितने भी वीडियो आपको अपलोड होते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन में, IIT में, नीट में, जी में, जी एडवांस में, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक टर्म जितने भी आपको बताए जाते हैं सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा, और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।